बीती 13 नवंबर को मणिपुर में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए लैंडमाइंस पर विस्फोट के कारण पंडोह का रणभुंकरा देश की खातिर शहीद हो गया था। 35 वर्षीय इंदर सिंह ने देश के खातिर अपने प्राणों का बलिदान तो दे दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकारों को इंदर सिंह के इस बलिदान की कोई कदर नहीं है। शहादत के 14 दिन बीत जाने के बाद भी शहीद के परिवार को किसी भी तरह की राहत का ऐलान नहीं हो सका है। जब शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंचा था तो उस वक्त यूनिट की तरफ से 8000 कैश और 1,00,000 रुपए की राशि ज्वाइंट अकाउंट में डाली गई थी। इसके अलावा राज्य व केंद्र सरकार की तरफ से शहीद के परिवार को और कोई सहायता नहीं दी गई थी। शहीद की पत्नी इंदु ने बताया कि प्रशासन की तरफ से घर पर आए प्रतिनिधियों ने आर्थिक सहायता की बात कही थी, लेकिन अभी तक सहायता नहीं मिल पाई है। वहीं सरकार की तरफ से दी जाने वाली राहत या फिर नौकरी को लेकर भी कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है। हाँ जी, यूनिट की तरफ से 8000 कैश दिया और 1,00,000 मेरे ज्वाइंट अकाउंट में डाला, पर पता नहीं किस चीज का पैसा है, ऐसा पता नहीं है मुझे। प्रदेश सरकार की तरफ से क्या आपको कोई आर्थिक सहायता अभी तक दी गई है? नहीं, आए थे इधर पर, वैसे कुछ भी नहीं बोला। ऐसे जिला प्रशासन वगैरह से कुछ लोग आए थे, डीसी एसडीएम उनसे बात की है आपसे? एसडीएम आए थे, ऐसे बोला कि भाई यहाँ प्रशासन की तरफ से आपको कुछ मिलेगा, पर अभी तक कुछ नहीं मिला है। या प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने कोई नौकरी का भरोसा? नहीं, कोई किसी ने कुछ भी नहीं बोला। हम भी चाहते हैं कि मेरे पति जो शहीद हुए देश के लिए, उनकी यादगार कुछ भी कर दो, गैस एजेंसी खोल दो, यही चाहते हैं इधर के, मेरी तरफ से भी यही, और जो मेरे व्यापार मंडल के भाई बहन है वो भी यही चाहते हैं कि उनके नाम पे कुछ खोला जाए। ठीक है जी, जो बोल रहे हैं गैस एजेंसी मिलनी चाहिए, इसे मुझे ठीक है, मेरे बेटे के नाम पर वो मिलनी चाहिए। हैरत है कि जब देश में अधिक संख्या में जवान शहीद होते हैं तो सरकारें उस वक्त माहौल शांत करवाने के लिए लाखों की राहत की घोषणाएं करती है और अन्य सुविधाएं देने का ऐलान भी होता है। यहां तक कि बहुत बड़ी हस्तियां शहीदों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा या फिर अन्य सुविधाएं देने के लिए आगे आती हैं, लेकिन जब शहीदों की संख्या कम होती है या फिर एक के बराबर होती है तो फिर इन्हें भूलने की कोशिश क्यों होती है। और कुछ ऐसा ही शहीद इंद्र सिंह के परिवार के साथ होता नजर आ रहा है। शहीद का परिवार इलाका वासियों की मांग पर शहीद के नाम पर पंडोह में गैस एजेंसी खोलने की मांग कर रहा है। शहीद इंद्र सिंह ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और उस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। शासन और प्रशासन को चाहिए कि ऐसी स्थिति में परिवार को हर संभव सहायता मुहैया करवाए, ना कि इसे भूलने की कोशिश करें।